सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 कल के पाठ से कोई प्रश्न है किसी का? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे चलो, आपका है? जी बोलिए। दीदी, कल आपने बताया था कि इंद्र के द्वारा बाली का, सूर्यदेव के द्वारा सुग्रीव जी का, और कुबेर के द्वारा वानर गंधमादन का, वायु देवता के औरस पुत्र हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें थोड़ा सा इसकी वास्तविकता जाननी है, क्योंकि इंद्र के बारे में बड़ा संशय रहता है, तो इंद्र के बारे में बता दें कि वास्तविक रूप में इंद्र का कैसा अस्तित्व है? इंद्र एक उपाधि का नाम है जो देवों में उनका मुखिया होता है ना, तो इसलिए इंद्र बदलते रहते हैं। एक डिग्री का नाम है, जैसे प्रिंसिपल एक उपाधि का नाम है ना, तो प्रिंसिपल बदलते रहते हैं। जो सभी अध्यापकों का मुखिया होता है उसको तो प्रिंसिपल कहते हैं, ऐसे सब देवों का जो मुखिया होता है उसको इंद्र कहते हैं। आध्यात्मिक अर्थ जो इंद्रियों का स्वामी है आत्मा, उसको इंद्र कहते हैं। और ये पूछना था कि अभी इसमें ये वर्णन आया था कि उसमें गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग कन्याएं हैं और अप्सराएं हैं, तो इनका ये वर्णन आ रहा है, तो ये लोग कहाँ रहते हैं और उनका कैसा अस्तित्व है? ये लोग स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग तो ये काल्पनिक एक बात है, वैसे तो कोई स्वर्ग का कोई क्षेत्र है नहीं। काल्पनिक है, जब मतलब दर्शन में, सांख्य में, योग में, सब जगह आ रहा है उसका वर्णन, वेद में, तो कैसे काल्पनिक कहोगे भाई? अब हम योगी की अवस्था में पहुंच जाएं और तब संसार हमारे लिए स्वर्ग है, अन्यथा ये नरक ही है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। ये तो हमने इधर उधर से सुन लिया ना कि किसने देखा है स्वर्ग, ये सब स्वर्ग नरक सब यही है। तो ऐसा कहने वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह उपग्रह का अस्तित्व उन्होंने जाना नहीं और स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन ये तो इतना विशाल ब्रह्मांड है, पता नहीं ऐसी इस ये पृथ्वी तो मक्खी जैसी भी नहीं, तो साइंस ने जान लिया। हम मतलब एक कुप मंडूक जैसे तो होके नहीं रह सकते हैं कि केवल ये एक पृथ्वी है और यही जीवन है, इसके अतिरिक्त और कहीं जीवन नहीं है। ऐसा तो हम तब कह पाएंगे जब हमने पूरे सैटेलाइट में बैठ के ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो अन्य भी ग्रह उपग्रह हैं, उनके ऊपर भी जीवन है, ये नहीं कह सकते हम कि ये केवल कोरी कल्पना है। इससे निकृष्ट स्थान भी हैं, इससे उत्कृष्ट स्थान भी हैं, क्योंकि सभी ऋषि ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वो सभी मतलब असत्य नहीं बोल सकते। ये ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है, जैसे स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेते आदि आते हैं ना, और उपनिषदों में भी आते हैं कि जो ऐसा ऐसा जीवन जीते हैं वो चंद्रायण मार्ग से जाते हैं, ऐसा ऐसा जीते हैं वो सूर्यायण मार्ग से जाते हैं।
ऐसे ऐसी जिनकी आत्मा इस नाड़ी से निकलती है वो उस लोक को जाते हैं, तो वहां भी इतना है, वेद में भी इतना ही है। फिर सांख्य दर्शन में भी आता है 6 प्रकार के जीवन, सांख्य कारिका में भी आता है। तो ये भगवान की जो सृष्टि है, भगवान को बस इसी रूप में जाना जा सकता है कि वो अनंत है। अगर आप कहो कि पृथ्वी के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, तो हमने तो सारा रहस्य जान ही लिया, तो वो अनंत कहाँ रहा फिर हमारे लिए? तब तो शांत हो गया, तो पृथ्वी को तो जाना जा सकता है। सब देशों में जा जा करके, घूम घूम करके व्यक्ति, आजकल तो इतने फास्ट साधन आ गए, तो आप 8-10 घंटे में ही दूसरे देश में जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो पृथ्वी को तो देखा जा सकता है, तो फिर तो ईश्वर को आपने शांत कर दिया। तो ये तो बहुत रहस्य रोमांचों से भरी हुई है और अनंतता से भरी हुई है सृष्टि। मैं जैसा समझी हूं वो बता रही हूं, मुझे तो ऐसे लगता है, आप लोग जाने, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मतलब ये कोरी कल्पना है और कहीं भी जीवन नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जीवन तो संभव हो सकता है, मगर जिस तरीके से वर्णन है उस तरीके का जीवन के बारे में जो ये बात कही जा रही है उसमें संशय समझ में आता है। कैसे? जिस तरीके से इंद्र को बताया गया कि वो आत्मा के रूप में है, फिर ये इस तरीके से बीच में आता है कि आत्मा तो सारी है, ये सब आत्मा ही है, इंद्र भी आत्मा ही है, मरुत भी आत्मा ही है, सब आत्मा ही है। इसमें थोड़ा सा इतना वर्णन जो दिया जाता है कुछ ज्यादा अलंकारिक है, वो बिल्कुल दिमाग से परे जाता है, हमारे जीवन में मतलब घटित नहीं होता। तिल में तो आपका जीवन पूरी सृष्टि नहीं है भाई, आप जहाँ रहते हो अभी, मतलब आप सृष्टि की तो चलो बात बाद में कर लेंगे, अभी तो अपना देश भी पूरा नहीं देखा है हमने, अपने वाला देश भी नहीं देखा है पूरा। जब आप अपने पूरे देश को देखोगे ना, कितना सुंदर देश है, उस श्रद्धे स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें देखने को मिल गया। कोई ऐसा प्रांत नहीं है, जिले कुछ बचे होंगे जहाँ नहीं देखे हैं, लेकिन प्रांतों में तो कई कई बार चक्कर लग गए हमारे तो, जैसे क्योंकि भारत स्वाभिमान की यात्रा चली तो सब जगह जा करके बहुत बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े, 10-10, 20-20 कार्यक्रम होते थे एक एक स्टेट में, तो उन जिलों में जा जा करके फिर उनकी तैयारियां करवानी पड़ती थी पहले 2 महीने पहले, तो हमारे 2-2, 3-3 चक्कर लग जाते थे उससे पहले। तो हर प्रांत का उसकी वेशभूषा, उसका खान पान, उसका आहार, उसकी संस्कृति, उनका लाइफस्टाइल सब अलग अलग है, और वो बहुत सुंदर है, इतनी विविधता है अपने ही देश में। तो हमें लगता था कि अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो हम तो देख ही नहीं पाते, हम जहाँ जी रहे थे, जहाँ रह रहे थे हरिद्वार में या उससे पहले जहाँ से आए, तो बहुत छोटा सा स्थान है, ये इतनी सारी विविधता कहाँ देखने को मिलती है हमें। और फिर इसके अतिरिक्त फिर जब बाहर जाते हैं तो फिर पता लगता है कि भगवान की सृष्टि का सौंदर्य देखो। अगर हम बाहर नहीं आते तो हमें ये लगता है कि बस भारत से महान कोई नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा है, सारे जहां से अच्छा, अच्छी बात है ये, मेरी माँ सबसे सुंदर है, या किसी माँ के लिए उसका पुत्र सबसे सुंदर है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि धरती के ऊपर सौंदर्य का ही अभाव हो गया, उसके पुत्र के सिवाय और कोई है ही नहीं सौंदर्य, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है तो हम ये बात बोलें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि बाहर कहीं सौंदर्य है ही नहीं, ऐसा नहीं है। और बाहर के जो लोग हैं उनको हमने मतलब अपना एक ऐसा माइंड सेट कर रखा है, पश्चिम वाले ऐसे होते हैं, पश्चिमीकरण, ऐसे जो भाषण भी देते हैं, अब वो कभी पश्चिम गए ही नहीं। ठीक है, जैसे यूके और यूएसए में चीजें गलत हैं, गंदगी, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, भारत से तो ज्यादा व्यवस्थित देश है वो, भारत से ज्यादा ईमानदारी से जीते हैं वो। हमने केवल वेद दर्शन उपनिषदों में पढ़ा है पवित्रता से, ईमानदारी से, अपने काम को ही पूजा समझना, ये हमने पढ़ा है, उनको हमने जीते हुए देखा है।
उन लोगों को। तो ये तो भाई हम कह नहीं सकते भाई, आप यूं को कह रहे हो ना कि जी ये तो मेरे को कुछ जम नहीं रहा कि हम अपने जीवन में, तो हमने जीवन देखा कितना है अभी। और ये तो मैं इस पृथ्वी की बात कर रही हूँ, और इस पृथ्वी पे भी दो तीन देशों की बात कर रही हूँ मैं, 200 देश हैं इसके ऊपर भी, मैंने भी नहीं देखे अभी। और फिर ये पृथ्वी तो ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व क्या है, वो आपने साइंस में पढ़ी रखा है सबने, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, तो कहीं तो कुछ तो है ना ब्रह्मांड में। तो हम नहीं कह सकते ऐसे कि ये चंद्रलोक कुछ नहीं है, सूर्यलोक कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। अब आप यदि ऊपर जाएंगे तो आपको पृथ्वी भी एक ऐसा तारा सा ही दिखेगा फिर आकाश में, तो ये तो साइंस ने देख ही लिया। अब कोई वहां जाकर के कहे कि इस पे इतने लोग रहते होंगे, इतने यज्ञ याग होते होंगे, ऐसी कोई श्रेष्ठ आत्माएं रहती होंगी, ऐसे लगता तो नहीं है, इतना नन्हा सा तारा दिखता है ये, तो फिर वो यहाँ आके देखे तो सही। तो ऐसे हम जब तक जानते नहीं है तो फिर बहुत सारी हमारे अंदर भ्रांतियां होती हैं। अब कुछ लोग जब तक पतंजलि नहीं आते हैं तो उनके अनेक तरह की भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोगों को हमें बताते हैं ना, लोग जाते हैं तो बोल जी हम जब तक नहीं गए थे तो ऐसे लगता था कि पतंजलि तो एक कॉरपोरेट हाउस है, तो वहां हमारे जैसे लोगों को तो गेट के अंदर घुसने ही नहीं देते होंगे, और बाई चांस चले जाएं तो वहां रहने खाने पीने के लिए हमें तो कोई देगा ही नहीं, स्वामी जी के तो दर्शन ही नहीं, पता नहीं वो तो कहीं 7 तालों के अंदर रहते होंगे, ऐसा कुछ बना रखा होगा। तो वो तो बहुत बड़ा एक धनाढ्य संस्थान है। फिर बोली यहाँ आए तो हमें पता लगा कि हमारे को भी बहुत अच्छे से रखा जाता है, महाराज जी से भी हम रोज मिल पाते हैं शिविर में जो लोग आते हैं। फिर कुछ लोग बोले जी हमें ये नहीं पता था कि मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, हमें तो लगता था कि भाई ठीक है एक आश्रम है और वहां योगा अभ्यास करवाते होंगे बस, स्वामी जी का मतलब 12 दंड 8 बैठक सूर्य नमस्कार बस वही करवाते हैं और कुछ है ही नहीं। यहाँ के पता लगे यहाँ तो रिसर्च सेंटर भी है, यहाँ के पता यहाँ तो गुरुकुल भी है, यहाँ तो आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ तो आचार्य कुलम भी है, यहाँ तो नर्सरी भी है। तो यहाँ आके पता लगा, यहाँ के पता लगा कि यहाँ एक धर्मशाला भी चलती है वाल्मीकि आश्रम के नाम से। तो फिर लोगों को ऐसे लगता है कि जो हमने सोचा था वो सच नहीं है, भ्रांतियां हटती हैं हमारी देखने से। तो जब तक हम किसी चीज को नजदीक से नहीं देखते हैं या नहीं जानते हैं, तब तक हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो सब ग्रंथों में वर्णन मिलता है, इसलिए मेरे को ये नहीं लगता है कि ये केवल कोरी कल्पनाएं हैं। अनेक योनियां हैं भगवान की सृष्टि में, तो हम ऐसा आग्रह क्यों करें कि जितनी हमें दिखती हैं उसको तो सच मानेंगे और जो हमें नहीं दिखती वो होती नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी योनियां तो ऐसी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, जो भारत में नहीं होती हैं बाहर होती हैं। अब आपने कितनी तरह के सांप देखे, कितनी तरह के देख लिए, सुने हुए नहीं, देखे कितने कितनी प्रकार के देखे होंगे, मैक्सिमम 10, वो भी एकाध मिलेगा कोई 10 देखने वाला, जू आदि में देखा होगा, जो बेचारा वहां नहीं गया उसने तो अपने दो देखे हैं, कोबरा और चूहा खाने वाला। तो बोले और होते ही नहीं है, ग्रीन येलो ये सांप होते ही नहीं है, रेड ऐसा नहीं है, होते हैं। तो हमने जितना देखा है उतना ही नहीं है संसार। अब हमने तो अपने अंदर भी अपने आप को भी पूरा नहीं देखा है, हमने अपने अस्तित्व को कितना जाना है, जितना ये बाहर दिखाई दे रहा है उतना ही तो जाना है ना। और जिन्होंने इस अस्तित्व को जाना वो ऋषि कह रहे हैं कि ये तो 1/4 भी नहीं है, 5 कोश तो बताए ना ऋषियों ने, अब हमने तो जाना नहीं कोश को, उसके लिए प्रयास भी नहीं होता। हाँ यही तो कह रही हूँ, प्रयास नहीं इसलिए तो नहीं जाना ना। तो हम यूं कहें कि जी शरीर के अलावा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है कि कोरी कल्पनाएं हैं, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है। हम अगर ऐसे कहें तो ये हमारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमने नहीं जाना। वो तो कह रहे हैं कि आप तो छिलके को लेकर के खुश हो रहे हो, ये तो छिलका है, एक तो फल का गूदा होता है अंदर उसका सार,
और एक बार छिलका, तो हम तो छिलके के साथ जीवन बिता के चले जाते हैं। ऐसा भी महापुरुषों का कहना, हमें ये भी नहीं पता हम छिलके के साथ जी रहे हैं। उन्होंने कह दिया इसलिए हमें ऐसा पता लग गया। लेकिन जिन लोगों ने जाना, तो आप तो उपदेश की तो परिभाषा ही यही है कि आप तो पुरुष कौन होते हैं, तो वो किसी को असत्य नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको असत्य बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। असत्य व्यक्ति कब बोलता है? जब उसको कोई अपना मकसद होता है, उसको कोई प्रसिद्धि की इच्छा हो, उसको कुछ प्राप्त करना हो, तब तो वो असत्य बोले ना। लेकिन जो आप्त पुरुष है, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों झूठ बोलेगा भला? तो फिर वो बोलते क्यों हैं? क्योंकि वो कल्याण की भावना से बोलते हैं, तो वो असत्य नहीं हो सकता है। और हमने जितना प्रयास किया, उतना हमें भी पता लगा कि इस भौतिक स्थूल शरीर के अस्तित्व के अतिरिक्त भी अस्तित्व है। कोई भी आदमी साधना करके जान सकता है इसको? ये तो महीने दो महीने में अनुभूति हो जाएगी कि इसके अतिरिक्त भी कुछ तो है। अब वो क्या है, उसके लिए तो फिर और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो आप इसमें ज्यादा, मुझे तो ऐसे लगता है कि इसमें ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए। दीदी थोड़ा सी बता दे, इसमें ये जो नाग के बारे में बोला गया, किन्नर, जाति विशेष है ये, मृत्यु लोग में होते हैं कि ये बाहर वाले हैं सभी? ये इसी पृथ्वी लोक वाले हैं कि ये उससे बाहर वाले हैं? बाहर भी हो सकते हैं, ये पृथ्वी में भी हो सकते हैं। पृथ्वी में किस रूप से, अप्सराओं का वर्णन किस तरीके से है? इंद्र तो हमारे आत्मा में है, तो अप्सराएं कहाँ से आ गई है? क्या है हमारी आत्मा में? इंद्र को आत्मा के रूप में बताया गया ना कि वो तो आत्मा की शक्तियां नहीं है, कितनी प्रकार की शक्तियां, मैं वही तो कह रही हूँ। आप तो बस पांच इंद्रियों के विषय को जानते हैं और शरीर को जानते हैं, हम आत्मा की शक्तियों को हम जानते कहाँ हैं? इंद्र को तो ऐसे बताया जाता है, वो तो नाच गाना देखते रहते हैं। अरे इंद्र भी आप मतलब इंद्र को तो मान लिया कि इंद्र तो होता है, इंद्र को जाना है आपने, आत्मा को जाना है क्या? नहीं जाना ना, ये तो स्पष्ट हो गया। कैसे हुआ स्पष्ट बिन देखे भाई? क्योंकि वो इंद्रियां जो है वो हमारी शक्तियां हैं और आत्मा उनकी उनका नियंत्रण करता है राजा के स्वरूप में। नहीं नहीं, जाना तो नहीं ना, इंद्रियों को तो आप कह सकते हो कि जाना, आत्मा को जाना ये तो नहीं कह सकते हो आप। आपको क्या पता कोई राजा है कि नहीं है? सुन के अपना एक माइंड सेट बना लिया आपने कि इंद्रियों का कोई राजा है और उसको हम आत्मा कहते हैं। हमने तो नहीं देखा आत्मा को, प्रत्यक्ष नहीं किया हमने, इंद्रियों को हमने प्रत्यक्ष किया जी। ठीक है, पर इस कथन से ही ये पता लग रहा है कि हमने प्रत्यक्ष किया, ये हम कौन है? तो अनुमान प्रमाण से पता लग रहा है ना कि कोई इनको जानने वाला है, ये पता लग रहा है। उसका स्वरूप क्या है वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि उसको हम इंद्र कहेंगे। ऐसे इसको भी मान लो कि आत्मा की जो शक्तियां हैं उनकी कुछ शक्तियों को हम अप्सरा कहेंगे, कुछ शक्तियों को हम कुछ और, जितनी भी शक्तियां हैं वो नाम देंगे हम। शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? मुख्य तो तीन ही नाड़ियां हैं, इडला पिडला सुषुम्ना। इडला पिडला बोल रहे इडला पिडला नहीं है वो, मतलब इतने हम गुत्थियां सुलझा रहे हैं, हमें तो अभी मतलब इसके फिजिकल बॉडी का भी नहीं पता है। अब भौतिक की तो बात ही छोड़ दो, इसमें कितने नर्व्स हैं, कितनी इसमें किस किस ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, कहाँ जानते हैं हम? फिजिकल वाला भी नहीं जानते, हम हार्ट के बारे में नहीं जानते, फेफड़े के बारे में नहीं जानते, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ये तो फिजिकल हैं। उसको जानने के लिए एक एक डॉक्टर को 30-30, 40-40 वर्ष लग जाते हैं। केवल खून में कितने तत्व हैं, रिपोर्ट में तो पढ़ लेते हो, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, RA फैक्टर, पता नहीं है, बस इतना पता है कुछ लिक्विड लाल लाल है अंदर, बस उतना ही पता है, कहाँ पता है हमें? तो हम बहुत सारी चीजों को यही नहीं जानते। आप बाहर की चीजें छोड़ो, आप कैसे जानेंगे दीदी ये सभी? पुरुषार्थ से जानेंगे, क्योंकि आप, हमने कितना जाना बोल जी, हमने पांच इंद्रियां और एक इनका मालिक जान गए हम। ना आप इंद्रियों को जानते हैं, ना आप इंद्र को जानते हैं। ठीक है, इनसे छोटा मोटा यूज कर ले रहे हैं,
वो भी यूज भी पूरा नहीं कर रहे हैं इनका। अब इंद्रियों को जानना है तो एक चक्षु इंद्रिय के लिए न्याय दर्शन में पूरा गाय टगा रखा है। कितना लंबा प्रसंग है कि है क्या, या फिर किसी आई स्पेशलिस्ट से पूछो कि उसको केवल एक आई के बारे में जानने के लिए कितने वर्ष लगाने पड़े, तो कहेगा जी 10 साल तो हो गए पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, अभी भी मैं पूरा नहीं जानता हूं। लेकिन तो इतना अनंत है भाई, ये अपना अस्तित्व ही अनंत है। बहुत अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं जी जो हम ये रिपोर्ट लाते हैं बताते हैं दूसरे लोगों को ब्लड में ये जो तत्व हैं, तो बोले ये तो 2% है, 98% तो हम भी नहीं जानते उन तत्वों को जो ब्लड में हैं। और जो नर्व्स की बात आप कर रहे थे वो 72 करोड़ हैं, 72 करोड़, 72 लाख, 10,201 इतनी नाड़ियां हैं। और वो कैसी हैं, वो दिखेंगी नहीं आपको, वो सूर्य की किरणों जैसे हैं, सूक्ष्म है, वो शरीर को काट के देखोगे तो नहीं दिखेंगी कहीं भी। बोलते उसको तो मान लेंगे, ऋषियों ने कहा है ना, ये भी तो ऋषि कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तो इतना समझी हूं कि जो यहां वर्णन है उसके बारे में हम ना तो ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक है, ना तो ये कहें कि ये बिल्कुल गलत है, वो हमारे लिए परीक्षण कोटि का है। हम उसको जानने की और सारी चीजें हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने कहा 12 चीजों को जान लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, बस इनको जान लो। बाकी सारी चीजें आप नहीं जान सकते हो। यहाँ तो कहीं साइंस है, कहीं टेक्नोलॉजी है, कहीं मैथ्स है, कहीं फिजिक्स है, कहीं कुछ है, आप जान ही नहीं सकते। अनंत है ये संसार, ही अनंत है। आप आगे की तो बात ही छोड़ो। दीदी, इन 12 चीजों को जानने के लिए क्या करना है? नहीं जान सकते हो, कुछ भी कर लो तब भी नहीं जान सकते हो, इम्पॉसिबल। कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है, क्योंकि ये भगवान का जो अस्तित्व है इसमें एक कण भी अपने आप में अनंत है। एक परमाणु को भी नहीं जान सकते हो आप। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शरीर का एक सेल लोगे ना, उस सेल से पूरी बॉडी बन जाएगी। अब उस सेल में क्या क्या छिपा हुआ है अब बताओ, उसको कैसे जानोगे आप? उसमें सब कुछ है एक सेल में। उसमें कैसा शरीर का स्ट्रक्चर होगा वो भी छिपा हुआ है, उसमें शेप कैसी होगी वो भी छिपा है, उसमें प्लेटलेट्स आदि, ये सारा का सारा, मतलब पूरा का पूरा आपका बॉडी एक सेल में छिपा हुआ है। तो बताओ उसको कैसे देखोगे आप? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये तो दिख तो रहा नहीं, इसका मतलब है ही नहीं। तो हमें इन बहुत जो जटिल प्रश्न है उनमें हमें उलझना नहीं है। जानना चाहते हो तो फिर एक ही मार्ग बताया ऋषियों ने, अपने आप को जान लो, तो आप बाहर के संसार को भी जान लोगे, क्योंकि ये एक मिनी ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को जानना है तो पहले इसको जान लो, तो इसकी शक्तियों को जानोगे तो आप इन सारी शक्तियों को भी जान पाओगे फिर। तो पुरुषार्थ उसमें कर लेते हैं अष्टांग योग से। मगर दीदी, वो तो पढ़ाया जाता है, प्रयोग तो कराया नहीं जाता। नहीं नहीं, प्रयोग तो किया जाता है ना। आप सुबह 3 बजे उठो, प्राणायाम करो, जाप करो, समाधि लगाओ, उसके बाद अपना काम करते हुए भी अलर्ट रहो, पढ़ाते हुए भी अलर्ट, पढ़ते हुए भी अलर्ट, तो ऐसे होगी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कैसे कराएं? प्रैक्टिकल खुद ही करना पड़ता है, इसमें दूसरा नहीं करवा सकता है। अध्यात्म जो है इसकी प्रैक्टिकल खुद ही करनी पड़ती है व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो जितना जितना प्रैक्टिकल करता जाएगा उतना उतना विद्या अपने स्वरूप को उसके सामने उद्घाटित करती जाएगी। प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो शब्द है केवल, तब कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए संसार, आप एक घर को तो छोड़ के यहाँ भागा है, अब यहाँ से छोड़ के कहाँ भागोगे और कब तक भागोगे? तो अब भागना नहीं है, अब जागना है।
भागने से नहीं मिलेगा, भाग तो आए बहुत है, बस उतना भागना काफी था। क्योंकि फिर यहाँ के भी व्यक्ति को लगता है जी यहाँ तो पढ़ाते रहते हैं पूरे दिन, अब कहीं गंगोत्री में जाएंगे, वहां जाके ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, तब आत्मा को पाएंगे। तो ये हमारे मन का जो है ना हुड़दंगापन है, ये मन ऐसे ही हमें प्रैक्टिकल करने ही नहीं देगा। जब गंगोत्री में जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ तो मैंने तो सोचा था कि कोई नहीं होगा, यहाँ तो बड़ा भीड़ भड़क्का है, भोजन के लिए भी वहां जाना पड़ता है लंगर में, फिर भोजन भी अच्छा देते नहीं है, ऐसा भोजन खा के कहीं आत्मा खोजी जाती है, तो अब तो और कहीं आगे जाना पड़ेगा, दिव्य आहार मिले कम से कम। आपको जो करना है वो आपके अंदर ही है, हर स्थान पे है, हर समय उपस्थित है, तो जब चाहो तब कर सकते हैं आप। तो इसलिए अपने मन को ना अच्छी अच्छी सजेशन दिया करो आप कि जो मुझे चाहिए वो मेरे ही पास है और किसी भी परिस्थिति में मैं उसको पा सकता हूँ, कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है साधक के लिए, सब अनुकूल ही अनुकूल, कृपा ही कृपा, कहीं भी अकृपा है ही नहीं साधक के लिए। कैसी भी बाहर से परिस्थितियां, ये तो यही पढ़ रहे हैं हम, इनके जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं इनको भी इन्होंने क्या माना, अनुकूलता ही माना, उसको प्रतिकूलता माना ही नहीं। अब सीता माता को चलो अयोध्या से जाना था, अपने पिता की तो एक ही बेटी थी। आज भी तो लड़कियां जिनका तलाक हो जाता है तो अपने बापू के यहाँ जाती हैं कि नहीं जाती हैं, तो वो भी तो जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी, चली तो जाती, जिंदगी भी कट जाती, लेकिन वो आदर्श नहीं बन पाती, नारी जाति के लिए पूजनीय नहीं बन पाती। फिर जीवन में कोई चीज आई उसको फेस करेंगे, संघर्षों से भागना नहीं है, उनसे जागना है, उनसे सीखना है, तो फिर ये सारी चीजें बहुत बोनी पड़ जाती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बहुत नीचे रह जाती हैं, आत्मा की शक्तियां अनंत हैं। और जितना जितना व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा उतना उतना उसके सामने वो शक्तियां उद्घाटित होती चली जाएंगी, फिर उसको इंटरेस्ट आने लगता है, अरे ये जीवन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो अपने आप ही फिर छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देता है, संसार की तरफ से वो अंधा गूंगा बहरा बन जाता है। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़े, बाल की खाल उतारना, उसको ऐसा क्यों, ये वो, इसी में उलझा रहता है, क्योंकि उसको आगे कुछ मिला नहीं इसलिए उलझा हुआ है। और अपने अंदर मुड़ा तो पता लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो फिर छोटी छोटी बातों को बोल कोई नहीं मरने दो ना, करते हैं तो करने, अपने को ध्यान ही नहीं देना उधर। तो इसलिए वहां पर ये इसका भी बता दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, अपने चित्त को ठीक रखना है यदि तो तीन भावनाओं के अलावा चौथी भावना मत करो। उपेक्षा भावना नहीं है, तीन ही है भावनाएं, तो कोई गलत कर रहा है तो उधर कोई भावना नहीं करनी, उपेक्षा कर दो, न्यूट्रल उधर से। बाकी के तीन प्रकार के लोग हैं उनके प्रति वैसी ही भावना रखें, भावना करनी पड़े तब, जरूरी नहीं है कि सोच सोच करके उनके बारे में भावना करें। अपने आप में रहो, आत्मनिवात्मना तुष्ट, जब आवश्यकता हो, ऐसा कोई प्रसंग आए, कोई बातचीत चले, या वो व्यक्ति सामने है, या ऐसा कोई विचार है, तब ये भावना करनी है। क्योंकि अपने चित्त को हमें क्या रखना है, साफ रखना है, प्रसन्न रखना है, निर्मल रखना है, चित्त प्रसादनम। प्रसाद का मतलब दो होते हैं, प्रसन्नता और निर्मलता। अपने चित्त को प्रसन्न भी रखना है और अपने चित्त को प्रसन्न भी रखना है और निर्मल भी रखना है, शुद्ध भी रखना है, तो उसके लिए ये साधन है। तो आप किसी के प्रति मैत्री करुणा की भावना रखते हैं तो ये उस व्यक्ति पे एहसान है या अपने लिए है, अपने लिए है, उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, अपने लिए कर रहे हो आप। नहीं तो व्यक्ति करुणा करके भी मतलब एहसान जताता है, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी करुणा की, अगर मैं करुणा नहीं करता तो तुम्हारा क्या हाल होता, तो मतलब उस व्यक्ति को बोझ के तले दाब के अपना अहंकार बढ़ा के चित्त को शुद्ध कर रहा है कि अशुद्ध। जागरूकता होनी चाहिए, पता भी ना चले उस व्यक्ति को, क्योंकि वास्तव में फैक्ट ये है कि मैंने जो किया वो किसके लिए किया, अपने लिए किया। वरना व्यक्ति सेवा करके भी गुणगान चाहता है,
और कोई ना बोले तो झगड़ा भी करता है, मेरी सेवा का तो नाम ही नहीं दिया। दान करके भी गुणगान, दान अपने लिए कर रहे हैं हम, सेवा अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं हम, दूसरे के लिए थोड़े ना कर रहे हैं।